नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ मैं नेहा बातम। खबरों की शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ, जहां पर एक तेंदुए ने गांव वालों के साथ खूब आंख में चौली खेली और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसने कई गांव वालों को जख्मी कर दिया और हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जब वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो वो खाली हाथ लौट गई, तेंदुए को पकड़ नहीं सकी। तेंदुए का अटैक लाइव। पल भर में तेंदुए ने दहशत फैला दी। जो भी सामने आया उस पर झपट पड़ा तेंदुआ। ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। देखिए, पूरा गांव लाठी डंडा लिए हुए तेंदुए का पीछा कर रहा है और तेंदुआ कभी इस गली में दौड़ा, कभी उस गली में, कभी इस घर में घुसता, कभी उस घर में। यूं ही तेंदुए के साथ गांव वालों का खेल चलता रहा। जैसे ही तेंदुए के सामने कोई शख्स आता, उस पर ये कुछ यूं झपट पड़ता। ये तस्वीरें गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के उत्तरापार गांव की हैं। 26 जुलाई की सुबह इस गांव में भटकते हुए एक तेंदुआ घुस आया। गांव वालों ने तेंदुए को देखा तो सिहर उठे। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी, मगर आरोप है कि समय पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे। यहाँ पे 10 लोग घायल हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई हुई है, कुछ कर नहीं रही है। तेंदुआ का आतंक है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। हम लोग परेशान है, यहाँ पे कोई हम लोग का सुन नहीं रहा है। सुबह 6 बजे की बात है, अभी तक यहाँ 4-5 बज गया, कोई नहीं है हम लोग की बात सुन रहा है। सुबह से वन विभाग की टीम आ रही है, आधे घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। शाम को 4 बजने वाले हैं, अभी तक कोई आका नहीं। अभी पता चल रहा है कि वन विभाग की टीम आएगी नहीं। रात होने वाली है, पूरे गाँव वाले दहशत में है और बहुत ही, यहाँ महिलाएं एकदम डरी हुई हैं, हम लोग खुद डरे हुए, छत पे खड़े हैं, बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन को एकदम सब दिक्कत में। आखिरकार गांव वालों ने तेंदुए को पकड़ने का खुद निश्चय किया। तस्वीरें देखिए कैसे लोग हाथों में लाठियां लेकर इस तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तेंदुआ लोगों को चकमा देकर दौड़ लगा रहा है। तेंदुआ इस घर में घुसा तो लोगों को लगा कि अब तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा, मगर तेंदुए को पकड़ने गए इस शख्स पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। देखिए कैसे इस शख्स ने जमीन पकड़ ली। काफी देर के बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंची, मगर तब तक तेंदुए के हमले में गांव के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बहुत मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम भी तेंदुए को नहीं पकड़ सकी और तेंदुआ भाग गया। उधर तेंदुए के हमले में घायल लोगों को जिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी यहां आसपास के गांवों में तेंदुए को लेकर दहशत बरकरार है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।